नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर और वास्तु कंसल्टेंट रिधि बहल। सावन का महीना, हमारे स्क्रिप्चर्स में सावन के महीने को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है। ये कहा जाता है कि इस महीने में यदि शिव जी की पूजा आराधना की जाए तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जब भी सृष्टि पे कोई संकट आया है, चाहे वो समुद्र मंथन से निकला हुआ विष जो कि दुनिया को ख़त्म कर रहा था और शिव जी ने उसको ग्रहण करके दुनिया को बचाया, ऐसी ही बहुत सी माइथोलॉजी में कहानियाँ हैं हमारी जिसमें कि दुनिया पे संकट आया है और शिव जी ने जो है हमें बचाया है। अब सावन के महीने को हम शिव जी से किस तरह से कनेक्ट करते हैं? हमारे यहाँ जितने भी त्यौहार मनाए जाते हैं या जो महीनों की कैलकुलेशन होती है वो चंद्रमा के मूवमेंट पे होती है। एक पूर्णिमा से अगली पूर्णिमा तक एक महीना कैलकुलेट किया जाता है। उसमें दो पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। गुरु पूर्णिमा के अगले दिन से जो है वो गुरु पूर्णिमा वाले दिन से जो है सावन का महीना शुरू हो जाता है। गुरु पूर्णिमा से पहले जो एकादशी आती है उसको देवश्यानी एकादशी कहा जाता है। उस दिन से जितने भी शुभ कार्य हैं वो सब होने बंद हो जाते हैं, चार महीने तक बंद रहते हैं। देव उठनी एकादशी से जो है फिर सारे शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। अब जो कहानी है वो ये है कि देवश्यानी एकादशी पे जो देवता हैं, खास करके विष्णु भगवान जो है वो सो जाते हैं और वो जो है सृष्टि की सारी जिम्मेदारी शिव जी पे दे देते हैं। शिव जी जिनको हम आदि गुरु भी कहते हैं। तो गुरु पूर्णिमा से शुरू होता है सावन का महीना। अब सावन जो नाम पड़ा है इसके पीछे भी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। वो ये है कि पूर्णिमा वाले दिन जो है चंद्रमा का नक्षत्र श्रवण नक्षत्र होता है, तो श्रवण से श्रावण शब्द आया और श्रावण से सावन का महीना बना। इसी महीने की जो संक्रांति होती है वो 14 जुलाई के आसपास होती है, 14 या 15 जुलाई को, तब जो है सूर्य अपनी राशि बदलते हैं, वो मिथुन राशि से कर्क राशि में आते हैं। इस दिन से दक्षिणायन भी शुरू हो जाता है। इस महीने में, सावन के महीने में, हरियाली तीज भी आती है और नाग पंचमी का भी त्यौहार आता है। नाग पंचमी जैसे कि शब्द ही बताता है, इस दिन जो है हम नाग की पूजा करते हैं। नाग यानी कि सांप को हम एस्ट्रोलॉजी में राहु से रिलेट करते हैं। राहु रिप्रेजेंट्स द नेगेटिव एनर्जीज। इस महीने में, सावन के महीने में जो है, इस महीने को जो है प्योरिटी का महीना कहा जाता है। ये कहा जाता है कि इस महीने में आप जो है अपने आप को प्योरीफाई करिए शिव जी की आराधना करके। देखिए हमारे यहाँ जितने भी रिचुअल्स हैं उन सब का एम है सोल का, हमारी आत्मा का प्योरिफिकेशन। आत्मा के प्योरिफिकेशन से हमारी स्पिरिचुअल जर्नी जो है वो बेटर हो जाती है। हम जो है मोक्ष की प्राप्ति आसानी से कर सकते। अल्टीमेट एम ह्यूमन लाइफ का जो है वो मोक्ष को प्राप्त करना है। जीवन को सरलता से जीना है, जीवन को और हमारी आत्मा को प्योर करना है। तो ये ही मतलब इस महीने का है। इसीलिए इस महीने को जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है कि इस महीने में जो है आप अपने आप को प्योरीफाई करें, अपनी जो नेगेटिव एनर्जीज हैं उसको हटाएं। तो नाग पंचमी वाले दिन जो है आप रुद्र अभिषेक ज़रूर करें। सावन के महीने में जो सोमवार हैं उनको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है। तो सावन के महीने के जो सोमवार हैं उनमें अगर आप व्रत रखें तो बहुत ही अच्छा होगा। यदि आप व्रत ना रख सकें तो सोमवार वाले दिन तो कम से कम शिव जी के मंदिर में ज़रूर जाएं और शिव जी को जो है जल ज़रूर से चढ़ाएं। इसके अलावा महामृत्युंजय का मंत्र या शिव चालीसा या ओम नमः शिवाय की माला ज़रूर करें। जैसे मैंने कहा कि इस महीने का एम है आपकी सोल, आपकी आत्मा और आपके शरीर का प्योरिफिकेशन होना। बहुत सी चीज़ें हैं जो इस महीने में कही जाती हैं कि हम ना करें। उनके पीछे का कारण यह है, जैसे स्पेशली ये कहा जाता है कि हरी सब्जियां ना, पत्ते वाली सब्जियां ना खाएं, नॉनवेज को कंज्यूम ना करें। वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस महीने में बारिश बहुत होती है और बारिश होने से मॉइस्चर डेवलप हो जाता है और मॉइस्चर से बैक्टीरिया बनता है। पहले ज़मानों में ये भी कहा जाता था कि जी सावन के महीने में बाल ना काटें या शेव ना करें, वो भी इसी कारण से कहा जाता था क्योंकि बैक्टीरिया डेवलप होता है। यदि कोई कट लग जाएगा तो बैक्टीरिया डेवलप होने से जो है ज़ख्म ज़्यादा बढ़ सकता है।
ये कहा जाता है कि हरी सब्जियां ना खाएं, वो भी इसीलिए क्योंकि इस महीने में बारिश होती है, जो कीड़े मकोड़े होते हैं जो जमीन के अंदर होते हैं वो सरफेस पे आ जाते हैं, एज अ रिजल्ट वो सब्जियों में भी आ जाते हैं, तो सब्जी खाने इसीलिए जो है हरी पत्ते वाली सब्जियां खाने से मना किया जाता है। नॉनवेज कंजम्पशन के लिए इसलिए मना किया जाता है क्योंकि ये जो सीजन होता है ये जानवरों का ब्रीडिंग सीजन होता है। अब इस सीजन में अगर आप जानवर को मारेंगे और उसको खाएंगे तो आप टेक्निकली दो जनरेशंस को ख़त्म कर रहे हैं। ऑल्सो जैसे मैंने कहा ब्रीडिंग सीजन है तो आप उनकी आगे आने वाली पीढ़ियों को ख़त्म कर रहे हैं जो कि गलत है। शिव जी हमेशा त्रिशूल के साथ होते हैं, उनके त्रिशूल के तीन हिस्से हैं, जो ये तीन हिस्से हैं ये तीन लोकों को रिप्रेजेंट करते हैं, आकाश लोक, पृथ्वी लोक और पाताल लोक। शिव जी जो है इन तीनों लोकों के संरक्षक हैं, इन तीनों लोकों के प्रोटेक्टर हैं। सो इस महीने में हमें शिव जी की आराधना करके अपने आप को, शिव जी को जो कि आदि गुरु हैं उनके चरणों में अपने आप को सरेंडर कर देना चाहिए जिससे कि हमें उनकी ब्लेसिंग्स मिले। करती हूँ कि आप सब इस महीने में भगवान शिव की आराधना जरूर करें और भगवान शिव की कृपा हम सब पे बनी रहे।